भाई बिहार में सुरक्षा मिलनी जरूरी है। बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर है, अब उनको अपनी सरकार में ही खतरा महसूस हो तो कोई क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार सरकार के द्वारा जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। साथ ही साथ अब तेजस्वी यादव बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलेंगे, जिसके बाद बिहार बीजेपी के तमाम नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और यह तक तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि आप अब बिहार में इतना ज़्यादा डर गए। इसी को लेकर जब आज हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। तथ्य सामने ही है ना, 6 अगस्त के बाद ही क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, अगर 2020 के चुनाव के बाद ही ये खटक रहा था कि भाई हमसे धोखा हुआ है, आज 22 महीने के बाद इनको चिराग मॉडल इनको याद आ रहा है। 22 महीने पहले चुनाव हुआ था, 2020 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, नवंबर में परिणाम आए थे, उस वक्त से इनको अभी तक याद नहीं आया। क्यों इन्होंने अगस्त तक का वेट किया, बताए ना मुझे। और भाई हम लोग भी राजनीति में हैं, हम लोग भी जानकारी हम लोग को मिलती है। यस, प्रयास इनके द्वारा पूरी तरीके से किया जा रहा था, राष्ट्रपति का प्रयास हो रहा था। भैया बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना। जब ये सुगबुगाहट भी चल रही थी कि भैया प्रेसिडेंट के लिए इनका नाम चल रहा था काफ़ी समय तक, नहीं वो हुआ। उसके बाद इन्होंने आखिरी दाव खेलने का संभवतः प्रयास किया होगा, यकीनन प्रयास किया होगा कि उपराष्ट्रपति बने। नहीं तो टाइमिंग इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि उधर उपराष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री जी को 22 महीने पहले वाला चिराग मॉडल याद आ रहा है और यकायक मुख्यमंत्री जी को पता चल रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये तमाम बातें हकीकत है। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ भाई कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी के अलावा वो किसी के सगे नहीं है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी कैसे उनको मिल जाए और इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी नहीं मिली तो यकीनन 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी का ये प्रयास करेंगे। पर बार बार मैं बोलता हूँ कि जब जब विपक्ष में ऐसे महत्वाकांक्षी नेता आते हैं तब तब विपक्ष और ज्यादा बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राहें वो लोग और आसान करते हैं। विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बना के रख दिया है इन तमाम महत्वाकांक्षी नेताओं ने। जब आप एक मंच पर विपक्षी एकता वाले हाथ पकड़े हुए देखते हैं, जब एक मंच पर तमाम विपक्षी नेता हाथ पकड़कर खड़े होते हैं तो एक साथ कम से कम एक दर्जन आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। और खास तौर पर ऐसे नेता जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, ममता बनर्जी जी उधर से हैं, इधर से नीतीश कुमार जी अब चले गए, आपस में इन लोगों का सर फुटबॉल ले लो करेंगे, हमको बनना है पीएम, हमको बनना है। हकीकत है कि भैया जब तक आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं कम से कम मुख्यमंत्री ढंग से बन जाइए, कम से कम बिहार की तब तक चिंता कर लीजिए। पर सिर्फ अपनी बड़ी कुर्सी की लालसा में इन्होंने बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया और बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा किया। 2024 आप 2024 में ही देखिएगा फॉलआउट होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के नाम चर्चा में आने लग जाएंगे। कांग्रेस एक बड़ी दावेदार है उसमें, ममता बनर्जी एक बड़ी दावेदार वो हैं, अपने आप को मानती तो हैं कम से कम वो दावेदार के तौर पर, और भी कई हैं, शरद पवार जी हैं, तमाम नेता हैं वहाँ पर। अब जब उसमें जब कोई एक आम सहमति नहीं बनेगी और जैसे ही विपक्ष बटेगा, ये होता आया है, ये भानुमति के कुंबे की तरह सब जोड़ने लगते हैं और एक एक करके वो कुंबा पूरा ढहता है। हर बार इकट्ठा होता है, जितनी जल्दी इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा जल्दी वो ढह जाता है। तो उसमें देखिएगा 2024 में जैसे ही मुख्यमंत्री जी के नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री के लिए, उस वक्त पुनः मुख्यमंत्री पाला बदलने का प्रयास करेंगे। फिर वो कोशिश करेंगे कि कोई नया अलायंस बनाया जाए, कोई नया गठबंधन बनाया जाए। और कोई ताज्जुब नहीं होगा कि एकदम कोई नया गठबंधन 2024 के बाद मुख्यमंत्री जी लेकर आ जाएं, क्योंकि अब तो बहुत इन्होंने खेल लिया ना महागठबंधन एनडीए, महागठबंधन एनडीए बहुत समय से। भैया लगभग पिछले 30-32 साल से, 90 के दशक से आप देख रहे हैं, तब से इन्हीं दोनों की ना सरकार चल रही है। राजद की उधर सरकार चली, इधर मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे। ये जो अभी तक बोलते थे कि अरे जाओ जाकर अपने बाप दादा से पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा है, तो वही 15 साल पहले का बिहार ना ये लाना चाह रहे हैं, तो बदला क्या? आपने सवाल है कि तेजस्वी यादव को जेट प्लस सुरक्षा मिलनी है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलेंगे, जिसके बाद बीजेपी। भाई बिहार में सुरक्षा मिलनी जरूरी है। बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर है, अब उनको अपनी सरकार में ही खतरा महसूस हो तो कोई क्या करे। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि
अब जो है सीबीआई और ईडी का खेल चालू होगा, तो कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। अगर बदले की भावना से विंडिक्टिव होके पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर अगर इन एजेंसियों का उपयोग किया जाता है तो ये गलत है। मैं मानता हूँ और मैं मानना चाहूँगा कि ये स्वतंत्र एजेंसीज हैं, इनको स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। अगर ये भी पॉलिटिकल दबाव में, क्योंकि कई बार इसकी आशंकाएं लगाई जाती हैं जिस तरीके से इन एजेंसीज की रेट की छापों की जो टाइमिंग्स होती हैं उस पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठते हैं, इस तरीके से अगर क्रेडिबिलिटी इन संस्थाओं की अगर समाप्त होगी तो भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना तेजस्वी यादव को, जहां एक तरफ बिहार में जेड प्लस सुरक्षा मिली है जिसका समर्थन चिराग पासवान ने भी किया है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने जो फैसला तेजस्वी यादव को लेकर लिया है वो एकदम सही है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।